हेलो दोस्तों, पाकशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टमाटर को हम अक्सर सब्जियों में, दालों में, सूप में या चटनियों में या हमेशा साइड में इसे यूज करते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर के पकौड़े, जिसमें मेन हीरो टमाटर ही है। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर हमारा काम अच्छा लगे, अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। दोस्तों, टमाटर के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने पानी लिया है, इसके अलावा हमने तलने के लिए तेल लिया है, और यहाँ पर हमने बेसिक मसाले लिए हैं जो हमारे खाने में रोज़ उपयोग होते हैं। इसके अलावा एक कप हमने बेसन ले लिया है। यहाँ पर हमने मीठा सोडा लिया है, यानी कि बेकिंग सोडा। तीन मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, ये सलाद वाले टमाटर हैं। और हमने यहाँ पर हरी चटनी ली है, धनिया पुदीना की तीखी वाली। थोड़ा सा हमने पनीर ले लिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लावर या मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हींग ले ली है 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा लिया है, और 1/4 टीस्पून के करीब हमने अजवाइन ले ली है। सबसे पहले हम पकोड़े का बैटर बनाएंगे। बेसन में हम डाल देंगे जीरा। दोस्तों, आप इस्तेमाल करने से पहले बेसन को एक बार छान ज़रूर लें। हमने यहाँ पर छान लिया है, और इसमें हमने क्रश करके अजवाइन भी डाल दी है और चावल का आटा भी डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है। हींग इसमें बहुत ही ज़रूरी है, तो आप स्किप ना करें। इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम हमने हल्दी डाल दी है यहाँ पर। और इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, और इन सभी सूखी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लें। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। शुरुआत में आप पानी थोड़ा डालें, जिससे गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें। इसका हमें बहुत ही ज़्यादा मोटा गोल भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बस ऐसा गोल करना है कि जो टमाटर पे अच्छी तरह से चिपक जाए। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, इसके लिए इसे साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर पनीर को काट लेंगे। टमाटर के स्लाइस के हिसाब से हमें पनीर को काटना होता है। ये होममेड पनीर है, इसकी विधि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये उसी विधि से बना हुआ पनीर है। और इस तरीके से हम पनीर के स्लाइस करेंगे, जैसे चीज़ स्लाइस के होते हैं उसी तरीके के हमें यहाँ पर स्लाइस करने हैं। दोस्तों, ये फ्रिज में रखा था, इसलिए थोड़ा सा इसे हार्ड लग रहा है देखने में, पर तलने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हमें इसे स्लाइस करना है पनीर को। अगर आपके पास पनीर नहीं भी हो तो भी आप ये पकौड़े बना सकते हैं। पनीर के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि आप इसे ट्राई भी नहीं करें। इस तरीके से हमें पनीर को काटना है। एक बार हम इतना ही पनीर काटेंगे, फिर ज़रूरत हुई तो हम और काट लेंगे। पनीर को साइड में रख दें। अब हम टमाटर काटेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से धोकर पोंछ लिया है, और इस तरीके से हम आधा आधा इंच के स्लाइस काटेंगे। बस आप ध्यान रखें कि आप इसमें देसी टमाटर का इस्तेमाल ना करें, जो सलाद के टमाटर आते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। और टमाटर ज़्यादा पके हुए नहीं हो, थोड़े से हार्ड वाले टमाटर लें, जिससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आए। यहाँ पर हमने सभी टमाटर के स्लाइस कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इस पर धनिया पुदीना की चटनी लगाएंगे। दोस्तों, इस चटनी में हमने लहसुन, अदरक, प्याज सभी का उपयोग किया है, तो इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। आप हमारे चैनल पर हरी चटनी की 4 विधियाँ हैं, उन्हें देख सकते हैं। ये 2nd नंबर वाली चटनी है जो हम अभी लगा रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बस आप चटनी को थोड़ी सी गाढ़ी रखें जब आपको टमाटर पे लगानी हो। तब यहाँ पर हमने चटनी को लगा दिया है, और इस तरीके से हम पनीर के पीसेस को इस पर अरेंज करेंगे। सभी टमाटर पर आप इस तरीके से अरेंज कर दें। यहाँ पर हमने जितने पीस काटे हैं एक बार हम उतने पीस अरेंज कर देंगे। और आप बिना पनीर के टमाटर को तल सकते हैं। इस पर हम डालेंगे जीरावन मसाला, जिससे पनीर फीका ना लगे। दोस्तों, जीरावन मसाले की रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है। आप एक बार इस मसाले को बनाकर रख देंगे तो आपके कई सारे चीज़ों में ये काम आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टमाटर प्लेन हैं, हम इन्हें प्लेन ही तल लेंगे। अब हम यहाँ पर बेसन में डालेंगे बेकिंग सोडा। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, और इसे एक ही डायरेक्शन में हमें चलाना है। तेल को भी हमने गर्म कर लिया है, आप देख सकते हैं गोल काफ़ी अच्छे से फ्लफी हो गया है। अब हम इस तरीके से एक फोक पे टमाटर का स्लाइस रखेंगे, और इस तरीके से हम उसके ऊपर बैटर को डालेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से कवर हो जाए। और इसे हम मीडियम हॉट ऑयल में तलेंगे। आंच को आप मीडियम रखें जब आप पकौड़े तल रहे हो तब।
और इसी तरीके से हमें सभी पकौड़ों को तलना है। दोस्तों ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें तीन तरह के स्वाद होते हैं, चटनी का भी होता है, टमाटर का भी होता है और बेसन का भी, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और देखने से कोई नहीं कहेगा कि ये टमाटर के पकौड़े हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। आप देख सकते हैं पकौड़े काफ़ी अच्छे से हमने तल दिए हैं। जब ये थोड़े से गोल्डन हो जाए, आपको लगे कि काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गए, ऊपर से इन्हें निकाल लें। और एक एक पकौड़ों को तलने में हमें 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है मीडियम आंच पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सभी पकौड़े तल लिए हैं। इसे मैं काट कर भी आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितना अच्छे से तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये बन चुके हैं। टमाटर इसमें बहुत ज़्यादा गलता भी नहीं है, लेकिन अपना फ्लेवर छोड़ता है, उसे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। दोस्तों वैसे तो हमने इन पकौड़ों में चटनी लगाई है, फिर भी आप चाहें तो इसे मेयोनीज़ या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इसे बनाएं, किसी भी समारोह में, पार्टी में इसे बना सकते हैं। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें। और दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।